अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ फ़िश के सालन की रेसिपी शेयर करना चाह रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। फ़िश एक ऐसी डिश है जो बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली है, स्पेशली सर्दियों में। तो कुछ लोग इसका सालन बहुत पसंद करते हैं, ज़्यादा फ्राई नहीं पसंद करते, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो फ्राई पसंद करते हैं, इसका सालन ज़्यादा नहीं पसंद करते। तो मैं आप लोगों के साथ फ़िश के सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बनाने में भी बहुत इजी है और खाने में बहुत टेस्टी है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की और किस तरह से मैंने ये डिश तैयार की है। सबसे पहले मैंने ये 2 kg फिश ली और इसको मैंने बहुत अच्छे से मैंने इसको वॉश किया। और इसके अंदर मैंने 1 tablespoon जो है वो अजवाइन डाली है और 1/2 tablespoon मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया। और अजवाइन जो है वो इसलिए इसको लगा कर रखते हैं ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तकरीबन आधे घंटे के लिए लगाएं और आधे घंटे बाद मैंने वो जो अजवाइन और नमक लगा के रखी हुई फ़िश थी उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। और ये खुश्क मसाले हैं, 2 tablespoon मैंने ली है रेड चिल्ली, 1/2 tablespoon हल्दी और 1 tablespoon मैंने इसके अंदर नमक लिए है। नमक आप हसबे ज़ायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि फ़िश को पहले से ही नमक लगा हुआ है। वैसे तो वो वॉश होने के बाद उसमें नमक कम हो जाता है, लेकिन फिर भी आप एहतियात से डालिएगा। और ये मैंने इसके अंदर 2 tablespoon खुश्क धनिया और 1 tablespoon अदरक और 1 tablespoon जो है वो लहसुन मैंने अच्छे से कूट लिया है। ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन कूटने से जो है वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और तकरीबन 3 tablespoon मेरा ये लहसुन अदरक और खुश्क धनिए का जो पेस्ट है ये तैयार हुआ है। और ये मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने बहुत बारीक कटिंग कर लिए हैं। और ये मैंने 3 ही बड़ी साइज़ की प्याज ली, ये मैंने कटिंग की। ग्रेवी इसकी ज़्यादा बनाई जाएगी क्योंकि फ़िश है और उसके बाद सिर्फ ग्रेवी ही रहती है, तो वो ज़्यादा होनी चाहिए। और 2 cup जो हैं वो मैंने ऑयल के लिए हैं, और 1 fish का जो है वो मैंने पैकेट लिया है, फ़िश मसाले का पैकेट, या आप एक डब्बा ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर फ़िश मसाला जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में डलेगा जो मैं आपको बताती हूँ। और ये मैंने 1/2 kg जो है ये दही इसके अंदर ऐड की है, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और ग्रेवी भी बहुत अच्छी सी बन जाती है। तो ये हैं मेरे तमाम मसाले जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताए हैं। और 1 कढ़ाई के अंदर मैंने 2 cup जो हैं वो ऑयल के डाल लिए। ऑयल अच्छे से जब गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर वो कटिंग की हुई प्याज मैंने इसके अंदर ऐड की। प्याज को गोल्डन होने तक हम अच्छे तरीके से हिलाएंगे। जब प्याज अच्छे से गोल्डन हो जाए तो उसके बाद इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं ताकि टमाटर का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। और ये इसके बाद जो है वो लहसुन अदरक और खुश्क धनिया का जो पेस्ट मैंने तैयार किया था वो मैंने इसके अंदर ऐड किया। अच्छे से मैंने इन तमाम चीज़ों को हिला लिया और टमाटर का पानी जो है वो मैंने खुश्क होने दिया। जब देखें कि ये मसाला जो है ये ऑयल छोड़ चुका है, तो उसके बाद जो बाकी खुश्क मसाले हैं वो इसके अंदर मैंने ऐड किए। हल्दी, रेड चिल्ली और नमक जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया। एक बार फिर बताती चलूँ कि नमक आप हसबे ज़ायका डालेंगे, और जब मसाले में आप नमक डालें तो पहले बहुत कम डालना है, ऐसा ना हो कि नमक ज़्यादा हो जाए। कि देखें ये तमाम मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भून गया, और उसके बाद मैंने इसके अंदर दही ऐड की है। दही भी आम सालन में भी डाली जाए तो वो बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है, ग्रेवी भी बहुत अच्छी आती है। और फ़िश जो है इसके अंदर तो होती ही ग्रेवी है क्योंकि हम इसके में शोरबा नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डाली ताकि इसमें टेस्ट बहुत अच्छा है और ग्रेवी भी है इसकी अच्छे तरीके से बन जाए और ज़्यादा मिकदार में भी बने। जब दही का पानी आप देखें कि खुश्क होने लगा है तो उसके बाद इसके अंदर 1 tablespoon मैंने फ़िश मसाला ऐड कर लिया है। इसमें फ़िश मसाला जो है वो कम ऐड होगा,
अगर फ्राई करते हैं फिश को तो उसके अंदर मसाला ज़्यादा लगाया जाता है, लेकिन इसके अंदर कम ही ऐड किया जाएगा, जस्ट खुशबू के लिए और थोड़े जायके के लिए। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर, जब ये मिक्स हो जाए तो फिर उसके बाद जो फ़िश के पीसीस हैं वो इस मसाले के अंदर डाल देंगे। और याद रहे एक मेन बात कि फ़िश डालने के बाद जो है वो चम्मच नहीं लगाना, अगर लगाना है तो फिर बहुत आहिस्ता से लगाना है, मतलब बहुत ध्यान से आप चम्मच से जो है वो इसको पलटेंगे। अगर आप मतलब इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, देखें कि आपसे फ़िश के पीसेस नहीं टूटेंगे चम्मच लगाने से, तब लगाएं, अदरवाइज़ जो है वो आप इसको इसके ऊपर ढक्कन देकर और इसको अच्छे तरीके से हिला लें, तब भी तमाम आमेज़ा जो है तमाम मसाला फ़िश के पीसेस में लग जाते हैं। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए दम दिया था तकरीबन 15 मिनट के बाद, और 15 मिनट बाद इसको खोलने के बाद इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड किया, और गार्निश के लिए मैंने इसके ऊपर धनिया ऐड किया है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी मज़ीद बढ़ जाएगा। और इसके अलावा गार्निश के लिए लेमन भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, और मैंने ये कटर से अदरक कटिंग करके गार्निश के लिए ये भी मैंने इसके ऊपर ऐड किया है। तो ये देखिए मेरी बहुत मज़े की जो है फ़िश रेसिपी मेरी तैयार हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने अपने घर वालों के लिए डिश बनाई तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आई होप कि अगर आप मेरी इस रेसिपी से ये डिश बनाएंगे तो आप और आपकी फैमिली भी बहुत इंजॉय करेगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।